जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का 127 क्रिश्चियन आबादी यहाँ पे रहती है और ये बड़ी मशहूर अपना आबादी है क्रिश्चियनिटी की, पहाड़ कॉलोनी कोट लखपत। यहाँ से पीपल्स पार्टी के बलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ और पीटीआई के ज़हीर अब्बास के साथ इनका मुकाबला होना है। तो आइए आज हम यहाँ पे जो रहने वाले क्रिश्चियंस लोग हैं उनकी राय जानते हैं कि वो किस पार्टी को और किस कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं। वोट किसको देंगे? सर जी, शेर को देना है। वोट बना आपका? हाँ जी सर। शेर को क्यों? सर बस सारे दे रहे हैं तो मैं। सारे कौन? दोस्त यार घर वाले भाई। नहीं, ये कोट लखपत बहार कॉलोनी एक बहुत बड़ी आबादी है क्रिश्चियनिटी की। हाँ, शेर ने यहाँ पे तरक्याती काम किए हैं? नहीं, फिलहाल तो नहीं किए। बेनजीर तो नहीं है लड़े यहाँ से उनके बेटे लड़ने? हाँ, तो उनको दिलावर पट्टे। वो क्यों, उनको क्यों? वैसे ही मेरे पैसे लगे हैं। पैसे लगे हैं क्या मतलब? मतलब कि हर महीने आते हैं। अच्छा, पैसे वो आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट से आते हैं? अच्छा, इसलिए आप उनको वोट दे दीजिए। आपको इनकम सपोर्ट तो बेनजीर की तरफ से होती है, तो आप वोट आपके वजह से के नवाज शरीफ उन्हें पसंद है। अच्छा, आप दोनों के घर में लड़ाई नहीं हो जाती? नहीं नहीं, लड़ाई किस मसले पे? नहीं नहीं। तो अब आप कल वोट पीपल्स पार्टी को डालेंगी? हाँ जी। तो आपके जो मियां हैं वो नून लीग को? हाँ जी, वो भी और मेरे ससुर भी। आप वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को देंगे। वो पीटीआई ही क्यों? पीटीआई इसलिए कि भी हमने 50 साल तकरीबन हो गए देख रहे हुए इस माशरे को। अच्छा। इसमें हम लोग जो है ना आज तक शेर को ही वोट देते रहे हैं। पहले इसे वालिदैन जो थे वो पीपी को देते, हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया क्योंकि इसको कम से कम बोलने की तमीज तो है, वो बोलना कैसे है। प्राउड फील करते हैं जब भी जहाँ कहीं जाता है, तो हमें भी प्राउड होता है कि यार वेरी गुड। आप क्या सोच के पीटीआई का वोट डाल? सर वो जब 13 बंदे एक साइड पे होंगे, अकेला एक साइड पे होगा, तो हक के रास्ते पे कौन होगा? 13 होंगे या एक होगा? इस वक्त नून लीग को क्यों नहीं वोट दे? नून लीग को हमने 20 साल आजमाया। पीपल्स पार्टी को क्यों नहीं दे? पीपल्स पार्टी को आपके इस हलके में पीपल्स पार्टी और नून लीग का बहुत जोर है, वोट परचेज हो रहे हैं। हमें भी ऑफर है 3,000 रुपया ले और वो वोट डालें पीपी। किस पार्टी की तरफ से? पीपी को। पीपल्स पार्टी की तरफ? जी जी। नून लीग की तरफ से कोई नहीं? नून लीग की तरफ से हमें अभी तक तो नहीं आए। तो पीटीआई ने पैसे नहीं दिए? नहीं, हम लोगों को चाहिए बेलो। अभी तक तो हमने इतनी दफा ही मान बेचे हैं तो क्या हासिल हुआ? वोट किसको? शेर। वो क्यों? इसलिए कि शुरू से हम फैमिली समेत शुरू से ही शेर को ही डालते आ रहे हैं। अब यहीं पर रहते हैं? जी, यहाँ पर। कोट लखपत एक क्रिश्चियन आबादी है और बहुत बड़ी क्रिश्चियन की आबादी है। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने कितने तरक्याती काम करवाए? तकरीबन अभी ये 2-4 साल पहले भी उन्होंने काफ़ी यहाँ पे रोड वगैरह गैस के काम ये वो करवाए हैं यहाँ पे। तो पीटीआई को क्यों नहीं दे रहे सर? बस या पीपल्स पार्टी को? बस दिल नहीं मानता जी। सर आप वोट किसको देंगे? सर मैं वोट दूंगा, वह पोलिंग स्टेशन पे जाके देखूंगा कि मैंने किसको वोट देना है, कि क्या करना है। ये मेरी अपने ज़मीर की आवाज़ है। और क्या ज़मीर की आवाज़? क्या ज़मीर की आवाज़? ये है कि हक और सच को वोट देना चाहिए। जो हक और सच पे बंदा है उसको वोट देना। कौन सी सियासी पार्टी हक और सच पे लगती है? मेरा ख्याल है कि देखिए पहले तो बहुत सारी पार्टियों को जमा चुका है ये पाकिस्तान, और हक और सच पे तो एक ही बंदा खड़ा है। कौन? आपको पता है जो हक और सच पे खड़ा खड़ा जो बंदा खड़ा है कौन? बताए ना आप, साफी हैं, आपको पता है कौन खड़ा है? आप भी बता रहे हैं। आप पीटीआई को वोट देंगे? मैं बिल्कुल पीटीआई को वोट दूंगा जी, 100% वोट दूंगा। वो क्यों? मेरा हाल है को हक और सच में खड़ा है। बिलावल। वो किस लिए? सारियों को आप सुनिए। बिलावल भुट्टो ही क्यों? बिलावल भुट्टो को इसलिए क्योंकि वो मिनोरिटी के लिए कुछ काम करेगा, इसलिए। इससे पहले मिनोरिटी के लिए काम नहीं किया उसने? कुछ पहले इधर उसकी हुकूमत ही नहीं आई ना, वो पहली बार इधर इलेक्शन लड़ रहा है। उसके वाला साहब प्रेसिडेंट रहे? उसके वाला साहब कौन से इलेक्शन इधर लड़े है? कोई भी इधर पीपल पार्टी का बंदा कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। ये तो पहली बार है कि जो बिलावल इधर इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसलिए अगर आएगा तो हुकूमत इसकी एमएलए बनेगा तो काम करेगा यहाँ पे।
मोरलिटी के लिए, किचन लोगों के लिए। एमएनए बन के करेगा या वजीर आजम बन के? वजीर आजम बनेगा तो फिर भी करेगा काम, अगर एमएनए बनता तो फिर भी काम करेगा। तो नून लीग को क्यों नहीं? नून लीग इसलिए क्योंकि वो जब भी उनकी नून लीग की हुकूमत आती है तो किचन लोगों के घर चलते हैं और चर्च चलते हैं, इसलिए। और पीटीआई? पीटीआई भी फारग है। वोट अभी किसी को भी नहीं। क्यों? जब टाइम आएगा फिर सोचेंगे। कल टाइम आ गया तो कल सोचेंगे। आज कोई एक सियासी पार्टी को ना, सियासी पार्टी कोई नहीं, वोट अपना। ये आपकी बात है या इससे पहले भी ऐसे? जिसको दिल करेगा। हाँ जी, जिसको वोट किसको सोचेंगे? सोच के दसो। सोच के ही दसना। वोटर की वजह? वोटर फायदा ही कोई। वोटर वोट का फायदा ही कोई नहीं। फायदा ही कोई नहीं। वोट इंशाल्लाह पीपल पार्टी। तुसी पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी क्यों? पीपल्स पार्टी इसलिए कि पहले जिन्हें भी आए ने उन्होंने सारे ने अजमा चुके हैं, असी कोई काम कुम नहीं, वोट लैन की बारी सारे आ जाते हैं, तो काम कराने की बारी कोई भी नहीं। तो नई सोच है बिलावल भुट्टो की, बिलावल भुट्टो आएगा तो इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। नून लीग तो क्यों नहीं? नून लीग तो पहले जमा चुके हैं, दे चुके हैं वोट सारे। और पीटीआई? पीटीआई नहीं, पीटीआई ने जा के सारे मुल्क की तबाही कर दी, महंगाई कर दी, इतनी महंगाई हो गई। हाँ जी, वोट किसको? वोट हमने शुरू से शेर को डाला। तो अब? अब भी शेर को डाला। शेर क्यों? शेर सर जी, शेर प्यारा है। नहीं, वो तो प्यारा है, शेर को वोट क्यों डालते हैं? एक्चुअली उसने पता क्या, जिंदगी में बहुत बेहतरी ले रहा है। आपकी जिंदगी में बेहतरी? हाँ जी। लोगों के लिए? लोगों के लिए तो पता नहीं क्या से। रहते हैं? हाँ जी, मैं यही पे रहता हूँ, कोड लखपत बाहर के। हाँ जी, हाँ जी। वोट गिनो बाबू। और सर शेर का? शेर को क्यों? शेर इस दफा काम अच्छा करेगा। क्या काम? पहले काम अच्छे नहीं किए? पहले भी काम अच्छे किए मगर इस दफा तो इमरान खान ने जो काम किए वो नजर नहीं आ रहे। इमरान खान ने क्या काम किए? इमरान खान ने मुल्क भेज दिया सारा, 3 सालों में मुल्क भेज दिया। हाँ जी। कैसे? कैसे मसलन सारा कर्जा उसने लिया। वोट किसको? वोट जनाब अली इमरान खान साहब को। इमरान खान क्यों? सर वो आदमी है जनाब अली, जनाब अली इस लाइक है। आप किसको वोट देंगे? काफी कम हो दसो कुछ सर हम तुम की दसी एक बंदा ना पीटीआई का कैंडिडेट कौन है जी? इत जहीर मलक है। ओ, 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 मलक जहीर अब्बास। हाँ जी। अच्छा जी, मेरा एक मुतालबा है। इधर वो जी मुतालबा पूछ लो। उत्तर पकी है पछे जी जी तकरीबन 5 ने, एक बंदा भी पक्की नौकरी तो नहीं। अच्छा, 5 बच्चे ने मेरी बेटी एमए मास्टर किया है, नौकरी होने कोई नहीं पढ़ा रहा या कोई मामूली काम कर। नून लीग वाले नौकरी लवा देंगे? नून वाले लवाएंगे, लवाएंगे जो हुकूमत ने दिए थे। एनी देर वो तेरे बच्चे फारग ने फारग रहे ने तो पहले कौन नहीं टोचमरा मत कर मिस्त्री को ना टोचमरा मत जड़ी ला लेंदा। नहीं, 1.5 साल तक वजीर आजम ते शहबाज शरीफ भी रहे ने। तो रहे ने फिर वो उन्होंने अपना थे ने और सारी अप्रोच को नहीं थी जो होना थी शहर च आया सी पेंडू बंदे आ उन अप्रोच हो गई साडे पिंड। एक मिनट मेरा होर ही मुतालबा है कि साढ़े 2 पिंड कृष्णा के ने किसे भी सुई गैस पानी कोई नहीं। केड़ा केड़ा? जंगसाबाद माजपुर आज तक करो तो सुई गैस तो पानी नहीं सब कुछ आया। एक मकान है इधर भी सुई गैस है तो इधर भी सुई गैस तो फिर इसका की मतलब एक बस ये डी पड़े शेर का जी। शेर को क्यों? हम शुरू से शेर के साथ चल रहे हैं, मैंने खुद दफ्तर बनाया हुआ है शेर का, तारड़ को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से खुद मैं इलेक्शन लड़ता हूं जनरल काउंसलर का, तो वार्ड 5 से हम पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह खुदा के फजल से शेर जो है लीडों के साथ जीतेगा। तो शेर पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? ये नून का गढ़ है, ये नून का गढ़ है, इधर से सिंधी आगे नहीं जीत सकता। जितने लोग हैं ये पैसों के लिए इनके साथ चल रहे हैं, अदरवाइज वोट जो है वो शेर का ही है। इमरान खान को? वो क्यों? हमारा लीडर है। इधर आ जाइए। आपका लीडर है? हाँ जी, लीडर है इमरान। मुस्लिम लीग नून को क्यों नहीं? सर वो भी अच्छे नहीं,
पीटीआई बेस्ट। तो पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट क्यों नहीं? वो तो खादमे आला है ना। कौन खादमे आला का नारा तो नून लीग का था सर। ठीक कैसा नहीं गला, वो तो कर दे रोटी कपड़ा मकान नहीं देंगे वोट जमीर का, वोट इमरान खान का, इसके अलावा कोई नहीं। इमरान को क्यों? इमरान को क्यों? लंगर खाना क्यों? लंगर खाना क्यों? ठीक है, ये सारी चीजें क्यों? ठीक है, किसके लिए? हमारे लिए थी ना, गरीब के लिए थी ना। अब आपने सवाल किया नून लीग को क्यों नहीं? मसीहों के चर्च किसने जलवाए, किसके दौर में जले? ठीक है, बच्चियों के साथ ज्यादती किस दौर में हुई, जहेज किस दौर में गए? और पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी, पीपल्स पार्टी ने अलायंस क्यों किया इनके साथ? 16 माह की हुकूमत की, आज पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ है क्या? आवाम बेवकूफ है। जो उम्मीदवार है उनका क्या नाम है? मलक जहीर, अब्बास खोकर, फारूक जावेद। ओके, वोट किसको? वक्त नहीं है, चाय पी के जाएंगे, शेर जिंदाबाद। वो क्यों? क्योंकि शेर आगे हैं, सामने तीर भी आगे हैं, मुल्क की हालात जो उनसे है वो आप देखे, कल असल आजादी है, देखे कल हम आजाद होते हैं कि तीसरी दफा गुलाम होते हैं। आप समझ गए कि नून लीग आपको फिर आजाद कर देगी? अभी आप आजाद नहीं है। अभी तक तो हम 1947 से हम लोग आजाद हुए ही नहीं, गोरों से आजाद हुए हैं, कालों में फंस गए। अच्छा ये बताएं कि अपना मुस्लिम नून ने इस क्रिश्चियन आबादी के लिए क्या किया है? सर ये तो आप ऐसे सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब देना, क्या कर रहे हैं इस मुल्क के लिए? क्रिश्चियंस ने बहुत कुछ किया लेकिन उनको वापस नहीं मिला। यहाँ पे जो MNA MPA वगैरह आते हैं वो क्या आपको तसल्लियां देते हैं? वो जब इलेक्शन आते हैं तब जो मिनोरिटी के बस उनके साथ भी काफी टाइम स्पेंड किया। कौन कौन? अपने जो से क्रिश्चियन सियासतदान है। कौन? अपने भाई। किसके साथ टाइम? मैंने इधर ये चौधरी साहब के साथ भी बड़ा खड़े हुए हैं, कामरान माइकल साहब के साथ। चौधरी को? ये घी वाले जोन से। अच्छा घी वाले, ओके। कामरान माइकल और उनके साथ, उनके एक बड़े अजीज थे वो अभी दुनिया में नहीं रहे, आमिर भाई। अच्छा। उनके साथ काफी हम जगह पर गए हैं। अच्छा, लेकिन सियासत पाकिस्तान में नहीं है। नहीं है? नहीं है। वोट फिर भी नून लीग का? नहीं, नून लीग को तो नहीं देंगे। आपको कहना अभी तो आप वक्त नहीं है, चाय पी है, शेर है। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद थे कोटलागपत बहार कॉलोनी में, जहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद है, यहाँ पे क्रिश्चियंस लोगों की है, बहुत बड़ी है आबादी है, और यहाँ पे जो मुकाबला है NA 127 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की तरफ से अता तारड़ और PTI की तरफ से मलक जहीर अब्बास का यहाँ पे मुकाबला हो रहा है। तो आपने लोगों की राय भी जानी और मिला जुला रद्द अमल है, कुछ लोगों ने अपनी बराज भी निकाली। इसके साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए।